हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करा सकते हैं। बात करें इंटीजर की तो इंटीजर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा। ऐसे में हम 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंटीजर कैसे आ सकता है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमें करेक्ट रिजल्ट दे। तो आइए देखते हैं कि डिवीजन का ये प्रोग्राम हम जावा में कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट पे आपको जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहां मैं लिखता हूं div, और यही नाम हम देंगे क्लास का भी, ठीक है। तो div.java कर देता हूं मैं, इंटरफेस करता हूं, यहां पे ये ऐसे आ जाएगा, क्लास का नाम दे देंगे div, ठीक है। इंटरफेस करूंगा तो ये इस तरह से यहां पे आएगा डबल क्लिक करके, और इसको यहां से कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब यहां पे इंपोर्ट करवाऊंगा, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। स्कैनर इसलिए लगाता हूं क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। अब यहां पे क्लास बनाएंगे, div नाम का क्लास हम बनाएंगे, ठीक है, और यहां से कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहां पर क्या करना है हमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा दिया हमने, वॉइड मेन, और यहां पर ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे args, ठीक है। तो यहां पर हमें लगाना होगा, ठीक है, ब्रैकेट, ओके, तो स्ट्रिंग है। तो यहां पर नीचे आएंगे तो अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट वापस से लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू और ए बी सी तीन वेरिएबल हम बना लेते हैं। ए में पहली वैल्यू और बी में दूसरी वैल्यू और सी में उसका रिजल्ट स्टोर कराएंगे, यानी कि पहले में हम भाग देने वाली संख्या और दूसरे में हम वो नंबर जिसमें हम डिवाइड कराना चाहते हैं वो रखेंगे और सी में उसका रिजल्ट आएगा, ओके। चलिए अब नीचे आते हैं, तो यहां पर अब हमें स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा यूजर को, वो लिखना है system.out.println, कर दिया हमने, ओके, और एंटर। नंबर एंड इट्स डिवाइजर, ओके, ये लिख दिया हमने, ये मैसेज यूजर को दिखाई पड़ेगा, तो यूजर एंटर करेगा, ओके। अब यहां पर क्या करेंगे, स्कैनर लगाएंगे, तो स्कैनर लगा दिया हमने, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, न्यू स्कैनर। अब यहां पर हो जाएगा system.in, ओके, और यहां पे इसको टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करने के बाद यहां पे a इज इक्वल टू sc.next int, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसे कॉपी कर लिया और नीचे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ हमें वेरिएबल का नाम भर बदलना है, यहां b कर देना है, और नीचे इसको डिफाइन करना है कि दरअसल होगा क्या, c इज इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो system.out, यहां पर लिखेंगे division is प्लस सी कर दिया हमने, और यहां पर दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको कंपाइल करवाते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया। वो कंपाइल करवाने के बाद अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहां से इसको रन भी करवा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट रन करवाने पर सही आएगा या नहीं। इंटर अ नंबर एंड इट्स डिवाइजर, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहां पे एक नंबर एंटर करता हूं 5, ठीक है। अब इससे भाग देना है 2 से इसको, तो यहां पे 2 किया हमने, तो देखिए यहां पे डिवीजन आ रहा है, डिवीजन इज 2, यानी कि इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि 2 तो नहीं आएगा, 2.5 आना चाहिए, लेकिन यहां पे 2 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करें कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए, यहां पे हम टाइप करेंगे, हमारे प्रोग्राम का नाम था div, तो div हम टाइप करेंगे और यहां से ये div.java ओपन हो गया है। अब इसी को हमको सही करना है, इस प्रोग्राम में कहां से गड़बड़ी है ये देखना है हमें। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं।
अब हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, फ्लोट लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंट लगाया था, अब यहाँ पे फ्लोट लगाते हैं, एफ एल ओ ए टी, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हमें अब कंपाइल करवाना है, तो यहाँ से कंपाइल करवाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहाँ पर जाकर के अब इसको रन करवा लेते हैं। रन करवाने पे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ इंटर नंबर एंड इट्स डिवाइजर, तो यहाँ पे नंबर इंटर किया, फिर वही नंबर 5 इंटर किया हमने, और इस बार भी 2 से ही डिवाइड करा रहा हूँ, लेकिन इस बार रिजल्ट देखिए 2.5 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, देन फिर इसको रन करवाता हूँ। अब देखिएगा इस बार मैं 13 लेता हूँ, ठीक है, नंबर 13 है और डिवाइजर 2 है। इस बार भी देखिए 6.5 आ गया रिजल्ट, यानी एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर इसको रन करवाता हूँ, फिर देखते हैं हम कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब की बार हम यहाँ पे लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिखते हैं 2, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 2, तो नो प्रॉब्लम। अब ये प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए मैं फिर एक बार रन कर रहा हूं इसको, और यहां से, और यहां पर मैं लिखता हूं 101, ओके, एंड इसको डिवाइड कराता हूं 12 से, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहां पर देखिए 12 से डिवाइड कराने पे ये आ रहा है 8.416667, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा डिविजन का प्रोग्राम सक्सेसफुली बन चुका है। और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।